हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मनसे द्वारा शिवसेना सांसद व प्रवक्ता संजय राउत पर मंच पर तलवार लहराने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर एक बार फिर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से मुलाकात की गई। प्रदेश महासचिव हेमंत गडकरी के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सीपी को तलवार लहराने का सबूत भी दिया। 21 अप्रैल को बेसा पावर हाउस चौक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सभा में पदाधिकारी द्वारा भेंट की गई तलवार को जनता को लहराकर दिखाया था। इसी तरह के मामले में 12 अप्रैल के थाने में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गडकरी ने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। पुलिस आयुक्त ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल में विशाल बड़गे, अजय ढोके, मनीषा पापड़कर, प्रशांत निकम, रजनीकांत जिचकार, चंदू लाड़े, उमेश बोरकर, शशांक गिरडे, गौरव पुरी, राजीव पोलाखरे शामिल थे। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया पर शिवसैनिकों द्वारा कथित हमले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहर की पुलिस महाविकास आघाड़ी सरकार के नौकरों की तरह काम कर रही है। फडणवीस ने इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक पत्र लिखा है। 24 अप्रैल को भेजे पत्र में उन्होंने भल्ला से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और विपक्षी नेताओं के मूल अधिकारों के हनन का संज्ञान लेने का आग्रह किया है और इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने कहा कि सोमैया ने खार पुलिस को सूचित किया था कि वह शनिवार रात निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने आ रहे हैं। फडणवीस के मुताबिक राणा दंपत्ति से मिलने के बाद सोमैया ने पुलिस को बताया कि उन पर हमला किया जा सकता है। उन्होंने उपनगरीय मुंबई के खार पुलिस थाने के बाहर जमा भीड़ को तितर बितर किए जाने की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को आसन्न खतरे के बारे में सूचित करने के बावजूद भीड़ को तितर बितर नहीं किया गया और सोमैया पर हमला हुआ। शहर के ज्यादातर चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। सड़कों पर फोर व्हीलर और हैवी वाहनों का राज है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है साइकिल से चलने वाले लोगों को। वाहनों की अनियमित रफ्तार से उनको सड़क पर साइकिल से चलाते समय दुर्घटना का भय रहता है, इसलिए बेहद सतर्क होकर साइकिल चलानी पड़ती है क्योंकि ज्यादातर वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। बड़े वाहन सड़कों पर कब्जा किए रहते हैं जिसके कारण वे साइड से भी चल नहीं सकते। साथ ही साइकिल चालकों के लिए कोई अलग से ट्रैक भी नहीं है जिससे होकर वे अपने मंजिल तक पहुंच सके। बता दें कि शहर में एक तबका ऐसा भी है जो महंगाई के इस दौर में साइकिल का उपयोग कर रहा है, लेकिन उसके लिए सड़कें सुरक्षित नहीं है। साइकिल से सफर करने वालों में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है जो काम पर जाने के साथ घर का सामान लाने के लिए साइकिल का उपयोग करती है, लेकिन सड़कों पर लगने वाले जाम के साथ भीड़ भरे चौराहे उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तारों में हुक डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ महावितरण ने 2 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। नागपुर परिमंडल में 243 ऐसे बिजली चोरों पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि इसके पहले भी 42 बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिन 243 पर कार्रवाई की गई उनमें से 173 कृषि लाइन पर हुक डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। हुक निकालकर तारों और मीटरों को भी जब्त किया गया है। वहीं घरेलू व कमर्शियल लाइन में हुक डालकर सीधे बिजली चोरी करने वाले 70 लोगों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। महावितरण के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी और मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के के मार्गदर्शन में ग्रामीण मंडल अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे, वर्धा के अधीक्षक अभियंता अशोक सावंत व अमित परांजपे, कार्यकारी अभियंता व उनकी टीम कार्रवाई कर रही है। दोड़के ने बिजली चोरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगर आप एसटी महामंडल की बसों में सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। महामंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक ऐप बनवाया है जिसमें यात्री घर से निकलने से पहले अपनी बस की पूरी लोकेशन जान सकेंगे, साथ ही असुविधा होने पर अपनी शिकायत और फीडबैक भी दे सकेंगे। ऐप में इमरजेंसी नंबर भी मिलेंगे जिन पर कॉल करके कभी भी सहायता प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही पूरे जिले में करीब 19 डिस्प्ले लगाई जाएगी जो यात्रियों को बस से संबंधित प्रत्येक अपडेट समय से देंगी। इसके लिए सभी बसों में GPS सिस्टम लगा दिया गया है। एसटी महामंडल द्वारा तैयार किए गए ऐप का नाम महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। इसे किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार ऐप को लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यात्रियों की समस्याओं को हल करना है। बस की लोकेशन पता न होने से कई यात्री एसटी स्टैंड पर समय से पहले पहुंचकर परेशान होते हैं। अब वे तय समय पर ही आ सकेंगे। साथ ही अगर बस में यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई असुविधा होती है तो तुरंत ऐप में दिए नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं।
जिससे बस की सर्विस सुधारने में आसानी होगी। फिलहाल महामंडल पूरे राज्य में अपने इस ऐप के बारे में यात्रियों को जानकारी दे रहा है, जिससे व्यवस्था को तुरंत एक्टिव किया जा सके। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए टीकाकरण एक बहुत बड़ा हथियार है। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए नागरिक समय पर टीका लगवाए और अपना टीकाकरण पूर्ण करें, यह आह्वान नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है। नागपुर शहर में 12 वर्ष से अधिक आयु के सभी आयु वर्ग 12 से 14, 15 से 17, 18 प्लस के 98% नागरिकों का पहला डोज पूरा हो चुका है, जबकि सभी आयु वर्गों में 78% नागरिकों ने दोनों डोज लिए हैं। दूसरा डोज लेने की अगर बात करें तो नागरिकों की ओर से प्रतिक्रिया कम मिल रही है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने पहला डोज लेने के बाद गैप की अवधि पूरी कर ली है, उसे तुरंत दूसरा डोज लेकर पूरी तरह से टीकाकृत होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के मद्देनजर पहल करते हुए आगे आने की अपील मनपा प्रशासन द्वारा की गई है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर के हर पात्र व्यक्ति को कोरोना के संभावित खतरे से बचाने और अधिकतम जनता का टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु शहर में विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण केंद्र शुरू किए गए हैं और योजनाबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका की उपद्रव खोजी टीम NDS ने सोमवार को 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹10,000 का जुर्माना वसूल किया। प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में गांधीबाग जोन की उपद्रव खोज दल द्वारा कार्रवाई की गई। टीम ने गांधीबाग जोन के इतवारी में VK प्लास्टिक का निरीक्षण किया। प्लास्टिक की थैली का उपयोग करने पर प्लास्टिक की दुकान के खिलाफ कार्रवाई की गई और ₹5,000 का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही लकड़गंज जोन के देशपांडे लेआउट में अंकित माहेश्वरी के खिलाफ अनाधिकृत गडर चेंबर बनाने के आरोप में कार्रवाई करते हुए ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया। ऑपरेशन का नेतृत्व NDS प्रमुख वीरसेन तांबे ने किया। नागपुर महानगर पालिका की उपद्रव खोजी दल NDS ने पिछले वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान 7,199 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त कर ₹39,00,000 जुर्माना वसूल किया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक NDS दस्ते के सदस्यों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी 2022 में सर्वाधिक 3,233 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। इस वित्तीय वर्ष में मनपा द्वारा 14,123 दुकानों का निरीक्षण किया गया है और 753 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मनपा की उपद्रव खोजी दल साप्ताहिक बाजारों और अन्य बाजारों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूलने का काम करता है। NDS दस्ते के प्रमुख वीरसेन तांबे के मुताबिक अप्रैल 2021 में 504 दुकानों का निरीक्षण कर ₹1,00,000 जुर्माना वसूल कर 114 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया था। मई 2021 में 149 दुकानों का निरीक्षण किया गया और ₹15,000 जुर्माना वसूल किया गया था। जून 2021 में 504 दुकानों का निरीक्षण किया गया और 112 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया और ₹90,000 का जुर्माना लगाया गया था। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के मलेरिया एवं हाथी रोग विभाग ने सोमवार को निगम के सभी 10 जोन में विभिन्न स्थानों से मलेरिया पर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान लोगों में मलेरिया, डेंगू और अन्य कीट जनित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। हाथी रोग एवं मलेरिया अधिकारी डॉक्टर जैस्मिन मुलानी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस अवसर पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर नागरिकों के बीच मुफ्त गप्पी मछली का वितरण किया गया। वहीं विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने क्षेत्र में मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। रैली में कर्मचारियों, छात्रों ने हाथों में विभिन्न नारे और प्ले कार्ड लेकर जागरूकता फैलाई। लाउडस्पीकर से भी नागरिकों को मलेरिया की जानकारी दी गई। नागपुर रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी दी गई। इन रोगों के लक्षणों की विस्तृत जानकारी, रोग कैसे और किस कारण से होता है, रोग के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। नागपुर महानगर पालिका के सामाजिक विकास विभाग शहर में विकलांगों के लिए कुल 9 कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। सोमवार को योजना के अंतर्गत 46 पात्र लाभार्थियों को कुल ₹23,00,000 के चेक वितरित किए गए। प्रत्येक लाभार्थी को ₹50,000 की राशि दी गई। इसके अलावा उपायुक्त विजय हुमने द्वारा 7 हितग्राहियों को लैपटॉप खरीदने के लिए कुल ₹3,96,449 के चेक भी वितरित किए गए।
मनपा मुख्यालय के पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज विकास अधिकारी दिनकर उमरेटकर, विभागीय कर्मचारी बागड़े उइके, दीनदयाल अंत्योदय योजना के विनय त्रिकोलवार, बांते खोबरागड़े उपस्थित थे। विभाग की स्क्रीनिंग समिति एवं संचालन समिति के माध्यम से कुल 46 दिव्यांग लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं स्वरोजगार समूहों के लिए स्वरोजगार वित्तीय सहायता योजना के पात्र घोषित किए गए। इन 46 लाभार्थियों में से प्रत्येक को 50,000 रुपए के अनुदान के पहले चरण में कुल 23 लाख रुपए दिए गए थे। समिति द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए सहायक उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हेतु अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत कुल 7 हितग्राहियों को पात्र घोषित किया गया। इस योजना के तहत लैपटॉप खरीदने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सब्सिडी की राशि 60,000 रुपए तक सीमित है। पुलिस थाना हुड़केश्वर लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल मालगीनगर एवं शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर तथा शासकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में मालगीनगर चौक स्थित पुलिस थाना हुड़केश्वर के प्रांगण में भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में मेडिसिन, हृदय रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, कान नाक गला, अस्थि रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, शल्य चिकित्सा आदि विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। शिविर में ECG, ब्लड शुगर परीक्षण की निशुल्क जांच होगी और दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। शिविर का लाभ सभी अधिकारी कर्मचारी ले, ऐसी अपील शिविर संयोजक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर एवं ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सचिव डॉक्टर दीपक शेंडेकर ने की। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत अमृतलाल नगर सृजन पीठ की ओर से 26, 27 व 28 अप्रैल को आयोजित वर्धा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन आज विश्वविद्यालय के कस्तूरबा सभागार में होगा। लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश बर्टुनिया और वर्धा के सांसद रामदास तड़स की विशेष उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर शुक्ला करेंगे। उद्घाटन के बाद कस्तूरबा सभागार में जीवनी उपन्यास निर्माण की समस्याएं पर पहला सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर रामजी तिवारी करेंगे। पद्मश्री विष्णु पंड्या, गोविंद मिश्रा, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, KC अजय कुमार मौजूद रहेंगे। 3 समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे। समानांतर सत्र 1 महादेवी सभागार में मानस के हंस विषय पर होगा, जिसकी अध्यक्षता डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी करेंगे। वक्ता के रूप में सुरेश कुमार अग्रवाल, अलका पांडे, आनंद निर्वाण, डॉ. बीना बुदकी, राजू मिश्रा, राकेश मंजुल, अभय जैन, नेहा कौशिक, योगेश कुमार मिश्रा के विचार होंगे। निर्मला सेलिब्रेशन लॉन गोरेवाड़ा चौक में भीषण गर्मी को मात देते हुए नव युगल जोड़ों का भव्यता के साथ सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात विवाह योग्य युवक युवती का परिचय सम्मेलन शानदार ढंग से संपन्न हुआ। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ विवाह समारोह संपन्न हुआ। भव्य पैमाने पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कलार समाज के गोंदिया, बालाघाट, अंजनगांव, सुरजी, भंडारा, नागपुर से संबंध जोड़े शामिल थे। परिचय सम्मेलन हेतु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों व ग्रामीण अन्य क्षेत्रों से पधारे 200 युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया। इस कार्यक्रम में 2000 लोगों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम कार्यक्रम की प्रस्तावना राष्ट्रीय कल्चरी एकता महासंघ नागपुर इकाई के अध्यक्ष राजन कटकवार ने रखी। भारत के ग्रामीण हिस्सों एवं शहरों से लगभग 200 से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियों ने अपना परिचय मंच पर आकर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय कल्चरी एकता महासंघ नागपुर इकाई के संयोजक दीपक गोविंद प्रसाद जायसवाल एवं परिवार तथा महासंघ के पदाधिकारी के मार्गदर्शन में नगर की कलार शाखा के अनेकानेक संस्थागत अध्यक्ष, सचिव, अन्य मुख्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से संस्थाओं के पदाधिकारियों, संस्थागत कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसे मनस्विनी विनोद उजवने ने तथा गोंदिया निवासी कुमारी जायसवाल ने अपने मनभावन नृत्य से उपस्थित मान्यवरों का मन मोह लिया। यशवंतराव चौहान संकुल नरीमन पॉइंट में भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा ऑनलाइन वक्तृत्व स्पर्धा के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश की संयोजिका डॉक्टर शुभा पाध्य के मार्गदर्शन में हुआ। पूर्व विदर्भ से इस ऑनलाइन वक्तृत्व स्पर्धा में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र प्रदेश सह संयोजिका एवं पूर्व विदर्भ प्रभारी संतोष दीपक लड्ढा के अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम का सुव्यवस्थित ढंग से प्रचार एवं प्रसार जिला स्तर पर किया गया, जिसके माध्यम से पूरे पूर्व विदर्भ से प्रतिभागियों का भरपूर साथ एवं सहयोग मिला।
इस अवसर पर नागपुर शहर संयोजिका अंजलि राउत एवं नागपुर जिला संयोजिका सरिता यादव ने पूनम एवं आरती बागड़े की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार दिशा रानड़े को दिया गया, जिसमें 21,000 रुपए कैश, ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट का समावेश था। द्वितीय पुरस्कार कुमार पराग बद्री को दिया गया, जिसमें 11,000 रुपए कैश, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट का समावेश था। तृतीय पुरस्कार संतोष शिंदे को दिया गया, जिसमें 7,000 रुपए कैश, ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट का समावेश था। हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार एवं रंगकर्मी डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को महाकवि भास्कर सुमन ज्ञानपीठ पुरस्कार मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अक्षर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं मुकनायक इंडिया टीवी के संयुक्त तत्वावधान में सीताबर्डी में मोर भवन में प्रमुख अतिथि नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर पूरन मेश्राम एवं मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टर मंगेश बनसोड़े के कर कमलों से स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शॉल श्रीफल देकर डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को सम्मानित किया गया। भौतिकी विभाग VMV वाणिज्य, JMT कला और JJP साइंस कॉलेज ने MSc विद्यार्थियों के लिए भौतिकी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्राचार्य डॉक्टर MG चांदेकर और डॉक्टर SR चौबे भौतिकी विभाग अध्यक्ष के कुशल मार्गदर्शन में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रश्नोत्तरी ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें MSc के लगभग 50 छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना और छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना था। भौतिकी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि डॉक्टर RB पाटिल थे। प्रतिभागियों में अक्षय आर लूटे और शुभम ठाकरे विजेता रहे और चिन्मयी विश्वेकर और मृणाली D बावनकर को उपविजेता घोषित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक GC वांदिले थे और डॉक्टर BT बोरकर, डॉक्टर NB खोटेले, डॉक्टर AK नंदनवार, डॉक्टर NB शिंदे, दीपक जनार्दन ने मिलकर प्रतियोगिता का आयोजन किया था। हुनहर चेस खिलाड़ी नागपुर रहवासी वेदिका पाल को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से युवा क्रांति मंच के पंजू तोतवानी, वेदिका के पिता विजय पाल, माँ ममता पाल, विवेक लांजीवार, रोहित, सुरेश गांधी कटारे, मंगेश फंदे, राजू गंगवानी की उपस्थिति रही। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कोल्हापुर में राज्य स्तरीय स्पर्धा में अंडर 10 में सफलता हासिल कर शहर का परचम गाड़कर आई वेदिका ने न केवल परिवार बल्कि पूरे शहर और राज्य का नाम रोशन किया है। फडणवीस ने अपने संबोधन में बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। मोतीबाग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे वर्कशॉप में डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 131वें जयंती के अवसर पर वर्कशॉप के होनहार खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्माकर लामघरे, प्रमुख वक्ता ज्ञानेश्वर दादा रक्षक, अध्यक्ष सहायक कर्मशाला प्रबंधक आकाश पाटिल, सहायक कार्मिक अधिकारी अमरेश कुमार शुक्ला आदि मान्यवर मंचासीन थे। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के भारत उत्थान संबंधित कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथियों के हस्ते वर्कशॉप के होनहार खिलाड़ियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहर का विकास स्मार्ट सिटी के रूप में होने का भले ही डंका पिटा जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्मार्ट सिटी 7 वर्षों में केवल 2.5 कोस का अंतर ही पार कर पाई है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि वर्ष 2015 के बाद से शुरू हुए प्रकल्प में अब तक एक सड़क का भी निर्माण पूरा नहीं किया जा सका है, जबकि स्मार्ट सिटी अंतर्गत कुल 52 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जाना है। सूत्रों के अनुसार स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में अधिग्रहण तो किया गया, किंतु इसमें से कई लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, जबकि इन लोगों के सिर से छत छीन गई है। स्मार्ट सिटी की ओर से सड़कों के निर्माण के लिए आवासों पर जबरन बुलडोजर चलाया गया, लेकिन सड़कें ही तैयार नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार कुल 1730 एकड़ के स्मार्ट सिटी प्रकल्प में कुछ स्थानों पर 30 मीटर तो कुछ हिस्सों में 24 मीटर की सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसके लिए स्मार्ट सिटी ने शाहपुरजी पालनजी कंपनी को 650 करोड़ का ठेका आवंटित किया है। कंपनी को ठेका देने के बाद लंबा समय बीत गया है, लेकिन कई कारणों से सड़कों का काम अटका हुआ है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,601 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,30,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।